हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ए सेट सी का अभ्यास 1 है। इसी प्रकार के 16 से 17 सेट हैं। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार के 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है। दोस्तों, डेली बेसिस पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपने थ्योरी सेशन नोट्स वगैरह से पढ़ा हुआ है उसका स्कोर चेक कीजिए। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MP TET हो, चाहे किसी भी स्टेट का TGT PGT हो, मेरे चैनल पे सभी के थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज दिए गए हैं। चैप्टर वाइज MCQ, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर MCQ सभी प्रकार के वीडियोज हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, सभी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? तो 1927 में इसका गठन किया गया सर दुराबजी टाटा के प्रयास से। एंड दोस्तों, यह इसके वर्तमान अध्यक्ष है पीटी उषा जी, जो IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं। इसके पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? तो दोस्तों, उद्घाटन की घोषणा देश का प्रमुख या राष्ट्रपति या मुखिया करता है, लेकिन समाप्ति की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ IOC एंड यानी कि IOC का अध्यक्ष, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष समाप्ति की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? दोस्तों, जो भी देश अपने अपने तरफ से दावा करते हैं कि मेरे यहाँ ओलंपिक खेल आयोजन किया जाए, तो उस देश के किसी नगर को मेजबानी दी जाती है, देश को नहीं, किसको? नगर को। नेक्स्ट दोस्तों, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक सर्वाधिक लंबा था? दोस्तों, तो वो था 1908 लंदन ओलंपिक, जो है 187 दिन यानी 6 महीने 4 दिन तक चला था। तो दिवसों की दृष्टि से सबसे लंबा ओलंपिक है आपका 1908 लंदन ओलंपिक। जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक जो है 16 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में कौन से इवेंट पेंटाथलान में शामिल थे? तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में दौड़, लंबी कूद, चक्का फेंक, कुश्ती और भाला फेंक प्राचीन ओलंपिक इवेंट में पेंटाथलान में शामिल थे। लेकिन दोस्तों, आधुनिक पेंटाथलान आपका कहेगा तो उसमें 5 इवेंट शामिल हैं। पेंटाथलान, पेंटा का मतलब है 5, थलान का अर्थ है पत्तियां, यानी 5 पत्तियां। तो आधुनिक पेंटाथलान में आपका है तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग, फिर तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स रेस, शूटिंग यानी निशानेबाजी और क्रॉस कंट्री दौड़। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलान का सुझाव किसने दिया था? तो उस सुझाव को दिया था पियर डी कुबर्टिन ने। दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक कुबर्टिन किस देश के वासी थे? यह फ्रांस के वासी थे। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा था? दोस्तों, वो थे आपका हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह। जैसा कि दोस्तों, भारत ने आधिकारिक रूप से ओलंपिक में भाग लिया 1928 में, वो भी उसमें 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता और प्रथम बार भारतीय कप्तान ओलंपिक के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ने का मौका मिला जयपाल सिंह को। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने हॉकी में अब तक कुल 12 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, वायु की मात्रा है जो प्रत्येक श्वसन के साथ फेफड़े से बाहर या अंदर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, नॉर्मली आप जो सामान्य अवस्था में सांस लेते हैं, फेफड़े से अंदर वायु आ रही है जा रही है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसमें दोस्तों आपका टाइडल वॉल्यूम, वाटर कैपेसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर, रेसिडुअल एयर एंड टोटल लंग कैपेसिटी आपका होता है। तो टाइडल वॉल्यूम आपका क्या हुआ होता है? जो
सामान्य श्वसन द्वारा जितनी वायु फेफड़ों में ले जाया जाता है और निकाला जाता है, यानी कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत श्वसन या श्वासोच्छ्वास में फेफड़ों के भीतर और बाहर जाती है और निकलती है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक होता है आपका वाटल कैपेसिटी। वाटल कैपेसिटी वो होता है दोस्तों कि ये फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके पूरा बल के साथ हवा वाह्य श्वसन के द्वारा यानी एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकल जाती है, उसी की मात्रा को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इन सब प्रक्रियाओं के अलावा हमारे अंदर फेफड़े के अंदर जो वायु बची रह जाती है उसको कहते हैं रेसिड्यूअल एयर। जैसे कि दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। निर्देश, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों एक प्रशिक्षित खिलाड़ी है तो हृदय का मिनट आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मली आपका हार्ट रेट जो है वह प्रति मिनट 72 बार होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं तो 150 से 180 तक पहुंच जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करते करते वो प्रशिक्षित हो जाता है तो उसका हार्ट रेट नॉर्मली 40 से 50 हो जाता है। तो क्या है, मिनट आयतन जो है वो घट रहा है, ठीक है, यानी कि वो आराम से धड़कता है दिल, ठीक है, आराम से, जल्दी उसको किसी कार्य करने में थकावट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, CNS, PNS और ANS। यानी कि CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े नाड़ियां हमारे मस्तिष्क से कॉर्निथल नाड़ी निकलती हैं एंड 31 जोड़े नाड़ियां आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ANS जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें ब्रेन का हमारा कोई कार्य नहीं होता है, मतलब ऑटोनॉमिक अपने आप होती है। ये 2 प्रकार की होती है, सिंपैथेटिक यानी कि परानुकंपिक और अनुकंपिक। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपिक यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में आपको जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यह बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेज को नियंत्रित करता है, ठीक है। कैसे हम किसी वस्तु को उठाते हैं, जैसे कि हम किसी वस्तु को देखें वो किस कलर का है, उसको ऑब्जर्व करके हमारी ज्ञानेंद्रिया जो हमारे मस्तिष्क को बताती हैं और हमारा जो मस्तिष्क होता है पुनः उसको उसका उत्तर देता है। जैसे आपको किसी वस्तु को उठाना है तो सबसे पहले आपका जो है माइंड सोचेगा कैसे उठाना है, उसका संदेश भेजेगा आपके अंगों तक भेजेगा, उसके बाद आपका वो अंग कार्य करेगा। तो ये बाहरी बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। तो इसका नाम ही है स्वचालित, ऑटोनॉमिक, अपने आप कार्य करता है। किसको नियंत्रित करता है? यह आंतरिक पर्यावरणीय कारकों को। किसको? आंतरिक पर्यावरणीय कारकों को, जैसे आपका हृदय धड़कना एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटी आंत बड़ी आंत, श्वसन तंत्र, सभी को यह स्वचालित करता है। इसका केंद्र मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अक्ष तंतु यानी एक्सॉन की भूमिका है जो आवेगों यानी इम्पल्स को ले जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा जो तंत्रिका तंतु होता है इस प्रकार से होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे करके डेंड्राइट्स निकलते रहते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स निकलते रहते हैं और यहाँ पे से आपका पूछ की तरह आपका ये एक्सॉन निकल रहता है। तो इस डेंड्राइट्स का क्या कार्य है? यह दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को संदेश प्राप्त करता होते हैं, संदेशों को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं। जबकि एक्सॉन जो होता है तंत्रिका तंतु से
संदेशों को तंत्रिका से दूर ले जाते हैं दूसरे तंत्रिका की ओर या तो मांसपेशी की ओर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक शान की भूमिका है आवेगों को ले जाते हैं कहाँ, तो यह तंत्रिका नरों से दूर ले जाते हैं, नरों से दूर ले जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेंड्राइट्स की भूमिका है, यह अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से आवेगों को संचित करता है और उन्हें कहाँ ले जाता है दोस्तों, तो यह आपका डेंड्राइट्स जो है ये आपका डेंड्राइट्स है, ये संदेशों को ग्रहण करके ले जाता है सेल बॉडी की ओर। कहाँ ले जाता है? सेल बॉडी की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, किडनी यानी वृक्क के ऊपरी खंड में स्थित ग्रंथियां हैं, कौन सा ग्रहण है दोस्तों? दो किडनी होती है, दोनों पर आपका एडिनल ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन श्लेष्मक संधि यानी साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है? तो दोस्तों साइनोवियल ज्वाइंट क्या है? संधि हमारे तीन प्रकार की होती है, चल, अचल और अर्धचल। चल संधि को हम साइनोवियल ज्वाइंट या डायर्थोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं एंड अचल संधि को हम फाइबर्स ज्वाइंट या अनमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं और साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं और अर्धचल संधि को हम कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं। तो जैसे कि आपका अचल संधि पाया जाता है हमारे खोपड़ी में, जिसको सुचर ज्वाइंट भी कहते हैं, दांतों का जोड़ भी अचल संधि है जिसे गोम्फोसिस बोला जाता है एंड जो हमारा रीढ़ की हड्डी है पसलियों की है ये आपका अर्धचल संधि में आता है। एंड इसमें आपका क्वेश्चन है कि कौन श्लेष्मक साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है, साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब है चल संधि से संबंधित इसमें कौन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन है कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो है हमारे घुटने, टखने, घुटने और कोहनी और उंगलियों के जोड़ में पाया जाता है, ये आपका साइनोवियल ज्वाइंट है, चल संधि है। धुराग्र संधि यानी पीवट ज्वाइंट हमारा गर्दन एक धुरी पर घूमता है उसमें पाया जाता है। और दो आपका सेरल ज्वाइंट है, वो अंगूठा हमारे समस्त उंगलियों की तरफ चला जाता है, ये आपका भी चल संधि है। लेकिन यहाँ पे कौन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तंतुमय संधि यानी फाइबर्स ज्वाइंट जो है वो साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है, ये अचल संधि है, यह हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है? तो दोस्तों वह होता है आपका हिंज ज्वाइंट यानी कोर संधि, इसको हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि भी बोलते हैं। जैसे कि कब्जे के ऊपर दरवाजा एक ही तरफ बंद होता है, एक ही तरफ घूम सकता है, उसी प्रकार जो हमारा हिंज ज्वाइंट है वो एक ही तरफ मूवमेंट कर सकता है, जैसे हमारा कोहनी का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट और उंगलियों का ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंद संधि यानी शोल्डर ज्वाइंट किसका प्रारूप है? तो दोस्तों शोल्डर ज्वाइंट जो है यह कंदुकखलिका संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, ये 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, ये रोटेटरी ज्वाइंट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानु संधि जिसे नी ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, जानु घुटने को जानु भी बोला जाता है। तो जानु संधि यानी नी ज्वाइंट जो होता है किसका उदाहरण है? तो हमने क्या बताया था आपको कि कोहनी, घुटना, उंगली ये सब क्या है? हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हिंज ज्वाइंट यानी कोर संधि के अंतर्गत, जो एक ही तरफ मूवमेंट कर सकता है, एक अक्ष में इसका गति होता है। नेक्स्ट है, नितंब संधि यानी हिप ज्वाइंट है, क्या है दोस्तों? हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट ये दोनों आपके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं, जो एक हड्डी दूसरे हड्डी में कप के आकार की जुड़ी रहती है, फंसी रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, उंगलियों यानी कि फ्रेंजिल्स की संधि में कौन सी संधि होगी? तो उंगलियों का जोड़ जो है आपका कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जमीन पर सीधी खड़ी कल्पित रेखा इमेजरी लाइन कहलाती है, तो सीधी खड़ी कल्पित रेखा ये क्या कहलाएगी? यह आपका वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट, प्रत्येक संचलन यानी कि ऑपरेशन में होता है, तो दोस्तों प्रत्येक संचलन में गति में एक्सिस एंड प्लेन होता है, ठीक है, एक्सिस एंड प्लेन होता है। एक्सिस आपके तीन है, सेजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स, वो
सेजिटल, फ्रंटल और वर्टिकल, तीन प्रकार के एक्सिस हैं। और प्लेन जो है, जो अक्ष होता है, तल होता है, वो भी तीन प्रकार का है आपका। सेजिटल जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और फ्रंटल जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, हॉरिजॉन्टल जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है। नेक्स्ट है, सीखने का कौन सा नियम बताता है कि बहुधा फ्रीक्वेंसी की जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जिसका ज्यादा अभ्यास करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे, वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। उपयोग करना छोड़ देंगे तो आपका वो विस्मित हो जाएगा, भूल जाएगा। तो ये उपयोग अनुपयोग के सिद्धांत को दर्शा रहा है, यानी कि थायरॉइड के अभ्यास के नियम के तरफ ये जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थायरॉइड ने सीखने के तीन मुख्य नियम बताए थे, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडियस, अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं, प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं, अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्रायः अनुपयोगी असर छोड़ती है। यह है दोस्तों, यह है आपका प्रमुखता का नियम, लॉ ऑफ प्रोमिनेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, बिल्कुल हाल में सीखे गए कार्य सबसे अधिक किए जाते हैं, यह युक्ति किसे सूचित करता है? तो यह प्रभाव के नियम को सूचित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, सीखने का निम्न स्तर क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले आएगा नीचे से ऊपर जाएंगे हम, ठीक है? तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो सीखने के निम्न स्तर क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सीखने का निम्न स्तर क्या है, ये पूछा है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यार नीचे से ऊपर चलते जाएंगे। यहाँ पे आ गया हमारा ट्रेनिंग, फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका एप्लीकेशन, फिर आपका को रिलेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ट्रेनिंग और उसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर हम उसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन करेंगे, फिर सभी में हम सहसंबंध यानी कोरिलेशन स्थापित करेंगे। तो सबसे उच्च स्तर पर आया आपका कोरिलेशन, और सबसे निम्न स्तर पर कौन आया? आपका ट्रेनिंग। तो सीखने का निम्न स्तर क्या है? तो आपका पहला हो जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, चिंता और उदासी निर्मित व्यक्तित्व के किस आयाम यानी डिमिनेशन के लक्षण हैं? तो दोस्तों, बहिर्मुखता का तो ये लक्षण नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं, यह आपका हो जाएगा रुचि अभिरुक्तता का भी नहीं होगा, अनुकूलता का भी नहीं होगा, खुलापन का भी नहीं होगा, यह होगा आपका मध्यवर्गीयता, मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रुचि अनुकूलन व्यक्तित्व का सहज गुण नहीं है? तो दोस्तों, रुचि के अनुकूल आपका होगा तो वो काइंडनेस भी होगा, ठीक है, प्रेटफुल यानी विश्वास भी होगा, असील भी होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, जटिलता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी में जन्मजात जैविक मूल प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं किसका संकेत देती हैं? तो वह ईड, उन्होंने तीन बातें बताया था, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है उसको उन्होंने ईड के अंतर्गत, काम तत्व के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट दोस्तों, सीखने का संबंध यानी प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सीखने के जो शास्त्रीय अनुकूलन या कंडीशन सिद्धांत था, प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया था पावलोव ने, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, सॉरी दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक आपका असंबद्ध प्रतिक्रिया यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन का अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुक्रिया कराया था, यानी भोजन दिया था उसके साथ साथ उसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता था, लार उत्पन्न होता था, लेकिन भोजन के साथ साथ इन्होंने बार बार घंटी बजाया तो उस कुत्ते का जो है अनुबंध हो गया अस्वाभाविक प्रतिक्रिया के यानी घंटी के प्रति। तो यही आपका प्रत्यावर्तन या कंडीशन सिद्धांत है आपका पावलोव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण यानी कि सोशियलाइजेशन, मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है?
तो दोस्तों सोशलाइजेशन में मानव शिशु जो है समाज की प्रत्याशा अनुसार कार्य व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों समाजीकरण जो है अकेले तो समाजीकरण होगा नहीं, बहुत सारे चीजें उससे कनेक्ट रहेंगी, उससे अंतःक्रिया होगी। दिया क्या है, यह अंतःक्रियात्मक ठीक है इंटरएक्टिव क्रिया है। परिवार से, पास पड़ोस से, बच्चों से, खेल क्रिया से, विद्यालय से, सभी से वो अंतःक्रिया करेगा जिसके कारण उसका समाजीकरण होगा। समाजीकरण की प्राथमिक इकाई दोस्तों परिवार होती है, द्वितीय इकाई आपका मित्र दोस्त साथी और स्कूल वगैरह आ जाएंगे ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित तो होता है, तो वह समाजीकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा होता है ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों टॉप डाउन लॉजिक किस प्रकार के रीजनिंग को कहा जाता है, तो वह निगमनात्मक को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सामान्य से विशिष्ट को तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट आपका हो जाएगा निगमन। यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य, विशेष से सामान्य बोलता तो आगमन हो जाता। आगमन विधि में क्या किया जाता है कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद उसके रूल्स सिखाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल टू रूल जो प्रक्रिया होता है आगमन विधि में होता है। निगमन विधि में रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि पहले रूल बताया जाता है उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तर्क यानी लॉजिक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, दोस्तों तो यहाँ पे आगमन और निगमन दोनों होंगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों ठीक है। नेक्स्ट तर्क द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है, तो दोस्तों तर्क के द्वारा हम किसी कॉन्सेप्ट यानी परिकल्पना की जांच करते हैं। नेक्स्ट तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों किसी भी चीज के अंतिम सोपान आप टेस्ट लेते हैं, फिर उसका मेजरमेंट मापन करते हैं, फिर उसका इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि पूरा का विश्लेषण करते हैं कि कितने स्तर तक पहुंचा, तो यहां पे मूल्यांकन आपका अंतिम सोपान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड रॉबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, दोस्तों तो यन यन माइनस वन है। क्या है, यन यन माइनस वन। वहीं पे सिंगल लीग का पूछेगा तो आपका हो जाएगा यन यन माइनस वन अपान टू ठीक है। सिंगल लीग का होगा यन यन माइनस वन अपान टू और डबल लीग का होगा यन यन माइनस वन ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है, तो जब प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें बहुत ज्यादा संख्या में है तो उनको ग्रुपों में बांटा जाता है, तो यह कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत होता है। किसमें, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट चार प्रकार की होती है, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग आउट, लीग आउट कम लीग आउट, लीग आउट कम नॉकआउट ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का यानी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों लीग कम नॉकआउट भी है, लीग कम लीग भी है, नॉकआउट कम लीग भी है, बट काफ वेब टाइप नहीं है। काफ वेब टाइप आपका चैलेंज टूर्नामेंट का भाग है। नेक्स्ट दोस्तों पिरामिड टाइप, किंग टाइप, काफ वेब टाइप प्रतियोगिता किस पद्धति के प्रकार है, तो दोस्तों यह आपका चैलेंज टूर्नामेंट यानी चुनौती टूर्नामेंट के प्रकार है। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ यानी स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है, तो 400 मीटर का ट्रैक माना जाता है स्टैंडर्ड ट्रैक। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ में जो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन होती है वो कितनी होती है, तो वह लगभग 84.39 मीटर की होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक अशाब्दिक नॉन वर्बल परीक्षण का उदाहरण है, तो वह है आपका आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। नेक्स्ट है यदि एक 10 वर्षीय बालक 7 वर्षीय बालक के सभी परीक्षणों को करने में समर्थ है, तब उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो दोस्तों आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आईक्यू बराबर होता है एम ए बटा सी ए गुणे 100 ठीक है। तो आपका एम ए यानी मानसिक आयु यहाँ पे कितना है, बच्चे का मानसिक आयु है वो 10 वर्ष का है, यानी 10 वर्ष उसका क्रोनोलॉजिकल एक वास्तविक आयु कितना है 10 वर्ष,
सात वर्ष के बालक के सभी परीक्षणों को वह समर्थ है कार्य करने में। तो आपका इसका बच्चे का मानसिक आयु कितने वर्ष के कार्यों को कर ले रहा है? सात वर्ष के। तो मानसिक आयु कितना हो गया? सात वर्ष। एंड बच्चे का वास्तविक आयु कितना हुआ? दस वर्ष गुणे सौ, गुणे सौ, ठीक है। तो यहाँ पे दस दहाई में सौ हो जाएगा आपका बच्चे का, दस दस दहाई में सत्तर, ठीक है। सत्तर कितना आपका आंसर आ जाएगा? सत्तर, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सत्तर, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालेंगे कितना भी पूछेगा। नेक्स्ट है, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन लगभग कितने वर्षों तक गुलाम रहा? दोस्तों तो यह कम से कम 200 वर्षों तक हुआ, ये 1947 तक रहा, आपको पता है 1857 की क्रांति हुआ था, वहीं से इसका विस्फोट सबसे ज्यादा शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया है, तो 1942 यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चंस में कमेंट में जरूर पूछिए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।